दोस्तों आप भी पृथ्वी शो को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कल से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है जिसके लिए सभी खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय टीम से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद भारतीय प्रशंसकों को काफी ज्यादा निराशा का सामना करना पड़ा था। बता दें भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल चोटिल होने के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए, तो उनकी जगह एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है जिसका नाम सुनकर आपको काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। तो चलिए बताते हैं कौन है वो खिलाड़ी। लेकिन इससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और इंग्लैंड में से कौन पहला टेस्ट मैच जीतेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जल्दी टेस्ट श्रृंखला का आगाज होने वाला है। इस श्रृंखला में 5 मुकाबले खेले जाएंगे जिसका पहला मुकाबला 4 अगस्त से शुरू होगा। ये मुकाबला नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा। इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम ने जमकर अभ्यास शुरू कर दिया है, लेकिन इस अभ्यास के दौरान एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसे देखने के बाद तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। दोस्तों बता दें भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज की घातक बाउंसर गेंद पर चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट के लिए तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। दोस्तों बता दें डॉक्टर ने उनको कम से कम 24 घंटे का रेस्ट के लिए सुझाव दिया है, जिसके कारण उनको पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है, जिसके कारण अब भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है कि अब उनकी जगह कौन सा खिलाड़ी टीम का हिस्सा बनेगा। लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद भारतीय टीम और प्रशंसकों की चिंता कुछ हद तक दूर हो जाएगी। दोस्तों बता दें मयंक अग्रवाल की जगह भारतीय टीम का हिस्सा जबरदस्त बल्लेबाज पृथ्वी शो को बनाया जा रहा है। दोस्तों पृथ्वी शो की जबरदस्त बल्लेबाजी से तो हम बखूबी वाकिफ है, उन्होंने हमेशा से अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम के जीत में एक अहम योगदान दिया है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब उनको आगे होने वाले टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। दोस्तों माना ये जा रहा है कि पृथ्वी शो को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने का मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उनके पास नई गेंद से खेलने का एक अच्छा अनुभव है। वो इंग्लिश परिस्थितियों में काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए भारत को एक शानदार शुरुआत मिल सकती है। और उनके तो टेस्ट करियर का आगाज ही बड़े शानदार पारी से हुआ था, तो अब ऐसे ही कुछ प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेट फैंस उनसे उम्मीद करेंगे। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या पृथ्वी शो इंग्लैंड के विरुद्ध पहले टेस्ट मुकाबले में मयंक अग्रवाल की जगह भारतीय टीम का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।